अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पेज है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग फिजिक्स के सेकंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे देखें, जो फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज से ही मोस्टली आते हैं। मीन जो 60% क्वेश्चन हैं सेकेंड ईयर के वो एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे, तो जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी अहमियत का तो जुटलाया ही नहीं जा सकता, आपको वो लाजमी तौर पर करने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं तो क्या हमारे मुकम्मल तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो चुके होंगे, तो इसका आंसर जो है वो नो होगा। आप लोग 22 आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करनी होते हैं, सिर्फ 15 या 16 क्वेश्चन जो है वो आप लोग एक्सरसाइज ईजीली कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो 5 से 6 हैं वो आप लोगों को यूनिट में से है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि अल्लाह ना करे आपको पेपर के अंदर वो क्वेश्चन भूल जाते हैं जो कि आपको एक्सरसाइज के अंदर आए हुए होते हैं, तो फिर आप लोगों को वो वाले टैकल करने पड़ते हैं जो कि यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाईलाइट किए हैं जो कि एक्सरसाइज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन जो है वो मैंने यूनिट से पिक किए हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो 22 के 22 क्वेश्चन जो है वो इजीली अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे। अगर चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो ये हमारे पास सामने कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप लोग जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करें, तो आप लोग के विद इन द यूनिट से भी अगर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं तो आप लोग जो है वो इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 13 में से हमारे पास जो है 6 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज प्लस अगर अंदर से आप लोगों से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको ईजिली प्रिपेयर कर सकेंगे। चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमारे पास ये चंद एक जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा एंड सो ऑन। मैं आप लोगों के साथ सारे के सारे यूनिट्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों से एक्सरसाइज के अलावा पूछे जा सकते हैं या फिर एक्सरसाइज में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कोई 100 राउंड अबाउट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर की है जो कि आप लोगों के पास पेपर के एनालिसिस के बाद सामने रखी है। मोस्ट ऑफ द केसेस यही क्वेश्चन जो है वो बार हर बार जो है वो पूछे जा रहे हैं आप लोगों से पास पेपर के अंदर, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जाने चाह तो कल को ज़रूर आप लोगों को अगेन इन्हीं क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। तो इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अराउंड अबाउट 90 क्वेश्चंस होंगे ये, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं निगलेक्ट करना, उन्हें अच्छे तरीके से करने हैं। उसके अलावा इनमें से जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि आप लोगों के एक्सरसाइज के अंदर मौजूद नहीं है, आप लोग उनको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 18 के चंद एक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चंद एक क्वेश्चन है जो कि आपने चैप्टर नंबर 18 से करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 की बात करें तो चैप्टर नंबर 19 के अंदर हमारे पास सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं जो कि पास पेपर के अंदर बार बार पूछे गए हैं। इनके अलावा बहुत ही कम जो है क्वेश्चन पास पेपर के अंदर बार बार पूछे गए हैं। ये मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि मैंने एनालिसिस पास पेपर का किया है और उसी के रिगार्डिंग जो है, क्योंकि फिजिक्स मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो पास पेपर के ऊपर ही बेस कर रही होती है, तो उसी बुनियाद के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ जो है ये पूरे का पूरा एनालिसिस शेयर कर दिया है कि कितने क्वेश्चन जो है वो किस यूनिट से पूछे जा रहे होंगे। तो ये जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का सारे का सारा डेटा था, तो आप लोग इनके स्क्रीनशॉट मार्क कर लें और इन्हें अपने पास सेव करें और इन्हें अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। इसके अलावा अगर आप लोगों को फिजिक्स के शो एमसीक्यूज की लिस्ट चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 03006687752 इस नंबर के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज की फाइल शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे ऑलरेडी शेयर किया है, मैं उसके लिंक भी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो हमें याद रखिएगा कि हमारे जाना हाफिज़।